हेलो फ्रेंड्स ऑन इकोनॉमिक्स इजी। आज अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, हेल्थ के। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ में क्यों फोकस किया जाता है, डेवलपमेंट क्या हुआ इंडिपेंडेंस के बाद हेल्थ में, और अभी भी हेल्थ में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इंडिया में। राइट फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग दोनों है वीडियो, इसलिए प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन को प्रेस करके। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, आपको वीडियो में थोड़ा बीच बीच में ब्लैकनेस दिख रही होगी पिछले कुछ वीडियो में, आई एम सॉरी फॉर दैट। बहुत जल्दी मैं इसका इशू रिजॉल्व करने वाली हूँ, राइट, पूरी कोशिश चल रही है। अब देखते हैं हेल्थ। हेल्थ क्या है, की कंपोनेंट है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का, मतलब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मेन फोकस किस पे किया था, हेल्थ पे, स्वास्थ्य पे। देखिए हेल्थ होती क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, इट रिफर्स टू फिजिकल एंड मेंटल साउंड स्टेट ऑफ अ पर्सन। किसी भी एक बंदे की मेंटल और फिजिकली जो भी साउंड होगा, साउंड स्टेट होगी, शांत होगा, उसको अपन कहेंगे हेल्थी पर्सन। हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि उस इंसान के डिजीज नहीं है, हेल्थ मतलब मेंटली और फिजिकली साउंड होना, राइट। गुड हेल्थ इंप्लाइज, अब देखिए गुड हेल्थ, अगर किसी इंसान की अच्छी हेल्थ होगी तो क्या क्या इंप्लाइज करेगा, क्या क्या बेनिफिट होंगे उसके। फर्स्ट देखिए इंक्रीज इन एफिशिएंसी, वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा, राइट। सेकेंड देखिए इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, काम भी ज्यादा करेगा। एंड थर्ड देखिए इंक्रीज इन मेंटल एबिलिटीज, मेंटल एबिलिटीज भी उसकी इंक्रीज होगी, राइट। अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद हेल्थ सर्विसेज में क्या क्या डेवलपमेंट आ गए इंडिया में। फर्स्ट देखिए डिक्लाइन इन डेथ रेट, मरने की जो थी रेट वो कम होगी, कम लोग मरते थे इंडिया में। सेकेंड देखिए रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होती है, जो बच्चे जीरो मतलब एक साल से कम के जो बच्चे होते हैं वो आते हैं, उनको कहते हैं अपन इन्फेंट। डिक्लाइन हुआ मतलब रिडक्शन हुआ इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मतलब कि एक साल से जो छोटे बच्चों की जो डेथ हो रही थी वो कम हो गई। थर्ड देखिए राइज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अपन ने पिछले वाले वीडियोज में देखा होगा ऑन एन एवरेज इंसान इंडिया में कितने जीते थे, 32 ईयर्स के। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, मतलब अब कितने जीने लगे थे, 68 ईयर्स के अराउंड जीने लग गए थे। फोर्थ देखिए कंट्रोल ओवर डेडली डिजीज जैसे टीबी, स्मॉल पॉक्स, इनके ऊपर भी कंट्रोल आ गया था अपने। फिर देखिए डिक्लाइन इन अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट, मतलब जो 5 साल से जो छोटे बच्चे थे उनकी जो डेथ हो रही थी वो भी कम हो गई है। अब देखते हैं 1951 से 2011 तक में क्या एक्सपेंशन हुआ हेल्थ सर्विसेज में, आपकी बुक में एक डेटा दे रखा है उसी डेटा का नट चलेगी। फर्स्ट देखिए हॉस्पिटल्स इंक्रीज हो गए, 9200 हॉस्पिटल बढ़ के कितने हो गए, हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज 35,000 हो गई है। डॉक्टर्स इंक्रीज कितने हो गए, 62,000 से 816629 लाख में चले गए। एंड थर्ड क्या, कंप्लीट स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन, जो स्मॉल पॉक्स जो एक डेडली डिजीज थी जिसकी वजह से बहुत लोग मर रहे थे इंडिया में, वो पूरी तरीके से हट गई थी। फ्रेंड्स अब अपन देखते हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम क्या था इंडिया में। हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया में बेसिकली तीन तरीके से डिवाइड था, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर एंड टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर। देखिए फर्स्ट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में क्या आता है, स्मॉल हॉस्पिटल्स इन स्मॉल टाउन, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स आते हैं जो छोटे छोटे टाउन्स में और गांवों में होते हैं और जिनके ऊपर जनरली एक ही डॉक्टर होता है। सेकेंड देखिए फोकस ऑन एजुकेटिंग पीपल ऑन हेल्थ केयर इश्यूज, ये वाले क्या करते थे, प्राइमरी सेक्टर क्या करते थे, जो एजुकेट करते थे लोगों को हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती थी उसके बारे में उनको एजुकेट करते थे, और उनका इम्यून सिस्टम अच्छा हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उनकी इंक्रीज हो, उसकी भी फैसिलिटीज देते थे ये लोग। थर्ड देखिए प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, इनिशियल जो ट्रीटमेंट होते हैं किसी के भी बीमार होने पे, तो वो ये सब प्रोवाइड करते थे प्राइमरी। सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस का क्या काम था, देखिए हैव फैसिलिटीज ऑफ सर्जरी, ईसीजी एंड एक्सरे इन बिग टाउन्स, जो ईसीजी और ये सर्जरी ये वाली जो फैसिलिटीज है ये बड़े बड़े शहरों में ये प्रोवाइड करते थे सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम। थर्ड देखिए टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर्स, ये क्या करते थे, ये हाई एंड पे आ गए। देखिए हाई एंड फुल इक्विप्ड मेडिकल सेंटर्स, जो पूरी तरीके से फुली इक्विप्ड मेडिकल सेंटर, जो पूरी मेडिकल फैसिलिटीज इंडिया में अवेलेबल थी वो यहाँ पे होती थी टर्शरी सेक्टर में, राइट। बी देखिए अलॉन्ग विद एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, एजुकेशन और रिसर्च सेंटर्स भी इसी में ही आते थे जैसे आपने नाम सुना होगा एम्स, ऑल इंडिया मेडिकल रिसर्च सेंटर, वो इसी में आता है। नेक्स्ट देखिए प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसमें इसलिए लिखा है क्योंकि ये दोनों को आपको साथ में लेके चलेंगे तो बेटर रहेगा। देखिए फर्स्ट 80% ऑफ टोटल केयर हेल्थ केयर, मतलब जितना खर्चा हेल्थ केयर पे हो रहा था इंडिया में उसका 80% तो प्राइवेट सेक्टर ही खर्च कर देते थे। बी देखिए मेडिकल एजुकेशन एंड डायग्नोसिस, मेडिकल एजुकेशन की प्रोवाइड भी करते थे ये फैसिलिटीज, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, अपने फार्मास्यूटिकल्स दवाइयाँ वगैरह वो सारे काम, मैन्युफैक्चर वगैरह सब ये काम कौन कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर। एंड लास्ट देखिए टुडे 93% हॉस्पिटल, और आज की डेट में 93% हॉस्पिटल्स प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, 80-85% भी डॉक्टर्स प्राइवेट सेक्टर में ही काम करना चाहते हैं, जो कि इंडिपेंडेंस के टाइम कितना था, 8% था। लास्ट टॉपिक पे आते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो का, हेल्थ एज एन इमर्जिंग चैलेंज, हेल्थ एक इमर्जिंग चैलेंज अभी भी है, इतने सारे इंप्लीमेंट होने के बाद, इतने सारे इंप्रूवमेंट होने के बाद भी क्यों। देखें फर्स्ट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ केयर की जो सर्विसेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, मतलब गांवों में तो बहुत कम हेल्थ केयर सेंटर्स और शहरों में बहुत ज्यादा हैं। सेकेंड देखिए कम्युनिकेबल डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है, जैसे HIV AIDS, ये सारी चीज़ें अभी भी बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही थी।
थर्ड देखिए पुअर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अच्छा नहीं था इंडिया में। मैनेजमेंट किस सेंस में कि जो हेल्थ केयर सेंटर्स थे वो और जितने हेल्थ केयर सेंटर्स को जो कैरी ऑन कर रहे थे, जो मैनेज कर रहे थे, उन दोनों के बीच में मिसमैच था, बैलेंस नहीं था। फोर्थ देखिए प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन इस सेक्टर में बहुत ज्यादा हो रहा था, मैंने अभी जस्ट देखा ही था। तो जैसी कोई चीज प्राइवेट सेक्टर में आएगी तो वो एक्सपेंसिव होगी, वी नो ऑल। फिफ्थ देखिए पुअर मेंटेनेंस, गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स वगैरह थे उनका मेंटेनेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मतलब क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो ज्यादातर लोग अनविलिंग भी प्राइवेट सेक्टर में ही उनको आना पड़ता था क्योंकि वहाँ मेंटेनेंस बहुत अच्छा था। सिक्स देखिए पुअर सैनिटेशन लेवल, सैनिटेशन लेवल भी बहुत बेकार था। और सैनिटेशन में दो चीज़ें आती है बेसिकली, ए देखिए मेक क्लीन सराउंडिंग्स, एक तो अपने आसपास की सराउंडिंग्स क्लीन होनी चाहिए, ये सैनिटेशन में आती है। दूसरी बात आती है अराउज सैनिटेशन अवेयरनेस, सैनिटेशन की भी अवेयरनेस होनी चाहिए, अपने आसपास क्लीनलीनेस रहे पर अपने आसपास जो क्लीनलीनेस को मेंटेन रखना, दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। लास्ट टॉपिक इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसी का ही पार्ट है, इसको ISM भी कहते हैं। फ्रेंड्स इस जो अपन ने वीडियो देखा इसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने की चांसेस हो जाते हैं क्योंकि हेल्थ इज इट्स एन इंपॉर्टेंट इशू इन टूडेज टाइम ऑल्सो, राइट। अब इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का मीनिंग क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, इट रिफर्स हुज ओरिजिन इन इंडिया और कम टू इंडिया एंड गॉट असिमिलेटेड इन टू इंडियन कल्चर। ऐसी मेडिसिन जिसका ओरिजिन या तो इंडिया में हुआ है या फिर बाहर से आके इंडियन कल्चर में असिमिलेटेड हो गया, मतलब उसमें गुल मिल गई है। और अपन ने बहुत फेमस नाम सुना है आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कई बार सुनते रहते हैं। ये क्या होता है, इन इट्स 6 रिकॉग्नाइज सिस्टम, ये ISM में ही आती है आयुष। आयुष का फुल फॉर्म क्या है, देखिए आयुर्वेदा अपना एक कंट्री का जो आयुर्वेदा, योगा, उनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी, ये सब इसमें आता है। फ्रेंड्स अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।